पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पवित्र गुरुद्वारा भोरा साहिब श्री आनंदपुर साहिब में मत्था टेका, गुरु साहिब जी के चरणों में नमन किया और पंजाब और पंजाबियों की समृद्ध और भाईचारे की प्रार्थना की। पावन भूमि श्री आनंदपुर साहिब में पंच प्यारा पार्क के कार्यों की समीक्षा भी की गई। मान ने कहा कि उन्हें श्री आनंदपुर साहिब में धर्म के लिए त्याग और बलिदान की अनूठी मिसाल से श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल खजाना होगा। आम आदमी पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिल गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पार्टियां आगे के चुनावी चक्र में प्रदर्शन के आधार पर स्थिति हासिल कर सकती हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के तुरंत बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर सभी को चमत्कार की बधाई दी, जिसके बाद आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में जश्न मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद शामिल हुए, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। ऐसे लगता है जैसे कल का ही दिन था, 10-10.5 साल पहले 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा, ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। और आज 10-10.5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं देश में, पूरे देश में 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं और उनमें केवल 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उन 6 में से केवल 3 पार्टियां हैं जिनकी एक या एक से ज्यादा राज्यों के अंदर सरकारें हैं। उन 3 में आम आदमी पार्टी आती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और कार्यकर्ताओं को ट्वीट करके बधाई दी। भगवंत मान ने खुशी जताते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के हर एक स्वयंसेवक कार्यकर्ता और नेता को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने पर बधाई। ईमानदार और जन समर्थक शासन प्रदान करने की पार्टी की प्रतिबद्धता इस जीत में परिणत हुई है। साथ ही साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने भी श्री केजरीवाल को बधाई दी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के करीबी पपलप्रीत को सोमवार को पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पपलप्रीत को सुरक्षा के लिए असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। पपलप्रीत अमृतपाल का राइट हैंड माना जाता है और अमृतपाल के 2022 में दुबई से वापस आने के बाद पपलप्रीत अमृतपाल के साथ ही काम कर रहा था। अमृतपाल और इस पूरे मामले में जितने भी लोगों ने किसी लोग ने भी पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश की है, जिसने भी कानून को तोड़ा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल सभी लोग जल्दी कानून की गिरफ्त में होंगे। सर, इस मामले में हमने देखा कि सीएम साहब ने एक स्टैंड लिया है, वो किसी भी तरह के धार्मिक दबाव में भी नहीं आया। एसजीपीसी से अकाल तख्त से प्रेशर था, कुछ धर्म से भी जोड़ा गया इस पूरे मामले को। अमृतपाल देखिए, ये धार्मिक मामला नहीं है, ये ओनली जो है पंजाब के माहौल को खराब करने की साजिश रची गई थी, उसको तोड़ा गया है। बल्कि कानून के मुताबिक जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हत्या के बाद भी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की लीगेसी बनी हुई है, इस बात में कोई दोराय नहीं है। सिद्धू मूसेवाला के फैंस देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं। बता दें कि 4 दिन पहले मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनका तीसरा गाना मेरा नाम रिलीज हुआ था। मूसेवाला का नया गीत मेरा नाम सामने आते ही यूट्यूब पर छा गया। यूट्यूब पर मूसेवाला के गाने ने 1 घंटे में करीब 5 लाख लाइक्स और 2 मिलियन व्यूज को पार कर दिया। गाने ने खूब सुर्खियां बटोरी ही, साथ ही गाना रिलीज होने के बाद से यूट्यूब पर सिद्धू मूसेवाला के सब्सक्राइबर 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ को पार कर गए हैं। इसकी जानकारी सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल पेज से परिवार ने फेसबुक के माध्यम से दी है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सब्सक्राइबर्स की संख्या 11 मिलियन हो गई थी और तब से फैन फॉलोइंग बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस इस वक्त बड़ी मुश्किलों से जूझ रही है। एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से पार्टी परेशान है, तो वहीं राजस्थान में चुनावों से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी चिंता बढ़ा रखी है। कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाला ऐसा ही एक और मामला पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत चन्नी से जुड़ा हुआ है। विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चरणजीत चन्नी को पूछताछ के लिए तलब किया है। चन्नी से विजिलेंस ब्यूरो की ये पहली पूछताछ होगी, इससे पहले चन्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है।
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी अकाली दल ने 12वीं की किताब में सिख इतिहास के एक अध्याय पर कड़ी आपत्ति जताई है। श्रोमणी अकाली दल ने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में आनंदपुर साहिब के प्रस्ताव की गलत व्याख्या की कड़ी निंदा की है। पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पंजाब के इतिहास में एनसीईआरटी की किताब में गलत व्याख्या को दूर करने के साथ ही उचित स्थान देने की मांग। श्रोमणी अकाली दल ने एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तक में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को अलगाववादी एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने की निंदा की है। जिस तरीके से अभी इंटरफेरेंस हो रही है एजुकेशन, ये किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता कि गवर्नमेंट चाहे कि ये हिस्ट्री जानी चाहिए वो हिस्ट्री डाल दो, गवर्नमेंट चाहे कि मुगलों की हिस्ट्री निकालनी है वो हिस्ट्री निकाल दो। ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है, अनएथिकल तरीका है हिस्ट्री से डील करने का। हिस्ट्री जैसी है बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, हिस्ट्री से बच्चे लर्न करें। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये गवर्नमेंट की हिदायतों के आगे एनसीईआरटी इतना क्यों दब गई है कि मनमर्जी का, जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि इसका चैप्टर हटाना है उसका हटा दिया जाता है, जिसका डालना है उसका डाल दिया जाता है। ये पोलिटिसाइजेशन जो हो रहा है एजुकेशन का, ये देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीएम खट्टर हरियाणा के घरौंदा की अनाज मंडी पहुंचे, जिस दौरान किसानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में गेहूं खरीद के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। इसी के दृष्टिगत आज घरौंदा नई अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। सीएम खट्टर ने मंडी में अनाज लेकर आए किसानों से विस्तार से बातचीत की और गेहूं की गुणवत्ता का जायजा लिया। बता दें कि पंजाब हरियाणा में इस साल बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी, इसी को लेकर स्पेशल मुआवजे की बात की गई। खट्टर बोले कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश के बहुत सारे अन्नदाता प्रभावित हुए, जिनके प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी संसदीय समिति के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन वो रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अन्य सांसद मौजूद रहे।